को नहीं, रात भर दिन भर 24 घंटा चलता रहता है। तो वो एकाएक चौथा दिन पूछता है, अरे परीक्षा तुमने नाश्ता नहीं किया, तुमने लंच के लिए नहीं गया, डिनर के लिए गया, अरे भाई तुम क्या करते हो? उन्होंने कहा नैषा ही दुस्सहा क्षुण्मम त्यक्तोदम विभाधते तिरंतम त्वन्मुखाम भोज सवंतम हरिकथामृतम। भगवान अब तो न प्यास होता है, जिस प्यास की वजह से मैंने एक महर्षि को भी अपमान करने की ये दृष्टता की है, और अब वही प्यास का नामो निशान नहीं, न भूख है न वो है, क्योंकि आपके मुख कमल से जो ऐसी प्रवाह जैसे जो आ रहा है हरिकथा मृत, उसको पीते पीते मैं मस्त हो गया, मेरा शरीर मेरे इंद्रिय मेरे मन सब पूर्ण हो गए महाराज। पिबंतम त्वन्मुखम भोज सवंतम हरिकथामृतम। भगवान अब नैषा बाधते, बिल्कुल जरा भी मुझे उसका फीलिंग ही नहीं है, न भूखा न होता। सो भगवान की कथा सुनते सुनते ऐसे ही होता है हमें। और सातवां स्कंद जो है वो प्रहलाद की कथा है पूरा पूरा, उसमें सद्वासना असद्वासना जो कोई कर्म करते हैं। अब मैंने किसी की बटुआ को चुरा लिया, यहां पर रखकर भूल गए हमारे सोम भाई, हमने कहा कि कोई शांतानंद जी को कौन सस्पेक्ट करेगा, बहुत बढ़िया आदमी, मैंने इसको पार्क में डाल दिया 5,000-50,000 रुपया था। अब इसको करने से इसके लिए जो किसी को देखा नहीं, परंतु भगवान तो देख रहे हैं, सो इसकी सजा अगले जन्म में मिलेगा जिसको प्रारब्ध देखा। परंतु इसकी दूसरा एक असर होता है, जब एक बार ये काम किया हमको इससे मजा आया, ये जाकर हमारे चित्त में बैठ जाता है, एक उसका एक चाप हो जाता है, उसको वासना कहते हैं। वो क्या करता है कि बार बार हमको कहता है जब भी कोई समय मिले, देखो आपके पास वाले का बटुआ जरा बाहर निकल रहा है, बहुत बढ़िया लगा ना, निकलो। सो आप करते हैं, सो आपको जो बर बस एक काम को कराना चाहते हैं, ये वासना जब प्रबल हो गया, अर्थात कई बार आपने रिपीट किया, मैं 100 बार हम सत्संग में जाते थे, 1,000 बार जाकर जुआ खेलते थे, सो अगले जन्म में जब हुआ 10 दिनों को छुट्टी मिली, तब एक वासना सलाह, दोनों हमारे सलाहकार गवर्नर बने प्रेसिडेंट रूल में, उनको 2 सलाहकार होते, 2 IAS ऑफिसर, ये 2 हैं। तो ये कहता है अरे भाई तुम तो 10 बार गया सत्य, क्या मिला क्या? तुम्हारा वही क्रोध है, वही लालच है, वही इतना खाना खाते हो, अब क्या हो गया तुम्हारा? अरे यार इस बार चलो ना वहां पर, वहां ऊटी में बहुत बढ़िया सा हॉर्स का रेस, घोड़े का रेस चलता है, अरे 10 रुपया लगाओ 10 लाख मिलेगा, चाहिए तो 1 लाख रुपया तुम दे दो अपने सत्संग के लिए, क्या हुआ? तो बहुत बढ़िया वो कहेगा। और गवर्नर लोग डरते हैं क्योंकि उनकी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं, ये लोग कितने सालों से IAS है, सीनियर ऑफिसर है, और फिर वो कहेगा देखिए महाराज आप मत कीजिए, मैं कहता हूं कि मेरी बात के मुताबिक आप ना करें, आपकी कुर्सी नहीं रहेगी, आपका गवर्नरशिप निकाल देगा। अब ये ब्रह्मास्त्र है, अच्छा अच्छा ठीक है मैं साइन कर लूंगा। सो यही हमारी हाल होगी, हालांकि गवर्नर को पूर्ण स्वतंत्रता है, ये सुने हो कहे सुन लिया जाओ, मैं जो चाहे करो, करने की हिम्मत नहीं। और हम लोग भी वही है, वासना ये जो पुराने का प्रारब्ध जो है ये आने ही वाले, इसको आप नहीं कर सकते, ये तो एकास जो छोड़ा हुआ है, छोड़ा हुए को जाकर आप पकड़ने से वो जाकर गिरेगा ही, परंतु ये तो केवल सलाहकार है, ये कहीं लाजमी नहीं, ये केवल ये कंपलसरी नहीं कि आप उनकी मुताबिक कहें, परंतु हम जन्म जन्म से हम करते करते हम इसकी आदि हो गई। सो अभी हम ऑटोमेटिकली वही करते हैं, यही बात होगी है, ये है हमें। सो ये वासना के लिए 2 वासनाएं होती है, जितनी बार आप सत्संग में गए उसको सद्वासना कहा, सो सत्कर्म किए सो वो सद्वासना वो भी एक जगह बैठती है, और असद्वासना जुआ खेलने गया, विषय के घर में गए और किसी की हत्या की, सो ये सब भी एक वासना है, गुंडापन किया ये सब भी वासना है। सो यहाँ पर दुर्वासना के प्रतीक है हिरण्यकश्यपु और सद्वासना के प्रतीक है प्रहलाद, सो इनको दुर्गति मिली, इनको साक्षात्कार हुआ भगवान के साथ,
और दूसरी बात, वहां पर तृतीय स्कंध में कहा वातावरण को ढूंढ ढूंढ कर चला, वो हिरण के फंदे में फंसा, उसका अगला जन्म हिरण हुआ, ये इसका मुक्ति नहीं मिली तब। ये जो है बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण में है, यहाँ कभी ये मुश्किल से कभी कृष्णा कहा इनको जेल में डाल देगा, इनको खूब मारेंगे लोग, ऐसे प्रतिकूल अवस्था, ऐसे पिताजी फिर भी निडर होकर अपने पिताजी के पास भी जाकर कहे अरे तुमने कुछ सीखा? कौन सी सीखा? स्मरणम वंदनम विष्णु, श्री कृष्ण का वंदन करना, कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण का पाद पूजन करना, यही सबसे बढ़िया है नवविधा भक्ति, यही मैंने सीखा महाराज। बस वो क्रोधित हो गए, कोई बात नहीं, उनको हाथी से कुचलवाइए और ऊपर ऊपर ऊंचे ऊंचे टीलों से उनको नीचे ढकेल ढकेल कर दिया, कुछ नहीं हुआ, बस कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और इनको आग में डाला, आग कुछ नहीं किया, चंदन शीतल हो बहुत अग्नि जो चंदन सीता शीतल हो गया, इनका कुछ नहीं हुआ, नाम की महिमा है। सो इस तरह करके ये हुआ। सो सद्वासना से क्या होता है, भगवान का साक्षात्कार तक हो जाएगा, इसलिए सद्वासना को आप बढ़ाते जाओ, इसी के लिए है, इसको वासना स्कंध कहा। अष्टम स्कंध को वासना निरसन स्कंध कहा, अपनी अपनी वासना को कैसे निकाले जाए। दो कथाएं हैं, आफत में हरिस्मरण, संपत में दान। आपके पास खूब पैसा है तब अपनी वासनाओं को कैसे निकाले, दान करो दान करो दान करो, आपकी वासना ही चली जाएगी, आपने मन के ये मैं मेरा ये सारी चली जाएगी। और आफत काल में जब बिल्कुल आफत हो गया, आज से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उस लास्ट मिनट में भी आप भगवान का नाम ले लो। और गजेंद्र का कथा, यहां पर बिल्कुल ये गजेंद्र बिल्कुल इसको पता ही नहीं था भगवान के बारे में, गज का हाथी का क्या पता है, यह तो बिल्कुल भोग में रत रहा, इतनी इतनी हथिनियां इतनी इतनी बेटे बेटियां सबके साथ जाकर सरोवर में जाकर खेल रही है, अपनी सूंड से पानी निकालकर उसके ऊपर डालती, वो इसके ऊपर डालती, एकाएक ग्राहक ने पकड़ लिया। हम लोग भोग करते रहे करते रहे, ये एक दिन आप उठ नहीं पाए, डॉक्टर के पास गया, कहेगा ये आर्थराइटिस है भैया, इसका कुछ नहीं है, वही आर्थराइटिस हुआ, वो पहले यही पकड़ता या नहीं पकड़ता, वही है मगर। सो मगर ने उनको पकड़ लिया। और देखिए, आप थोड़ा सा भी कभी भगवान का स्मरण इतना सा भी किया, इस जन्म में नहीं अगले चरण जन्म में जरूर काम आ जाएगा। इन्होंने पूर्व जन्म में राजा होकर भगवान की पूजा करते रहे, उस समय में ये भगवान की कोई स्तुति करते रहे, ये अब याद आया, बिल्कुल अद्वैत स्तुति, बिल्कुल निर्गुण निराकार की स्तुति, बिल्कुल यस्मिन्निदम् यतश्चेदम् यस्येदम् येदम् स्वयं योऽस्मात् परस्मात् च वरः संप्रपद्ये स्वयंभुम् यस्वात्मनिदम् यजमाय अर्पितम् क्वचित् विभातम् क्वचित् तिरोहितम्। इस तरह करके बिल्कुल प्रवाह रूप से उसने किया, भगवान साक्षात परब्रह्म के रूप में जो नारायण श्री कृष्ण के रूप में जो कहे, उन्होंने कहा बाकी लोग ये नहीं, उन्होंने कहा मेरा नाम नहीं लिया मैं नहीं जाऊंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया। शिव जी ने कहा मेरा नाम नहीं लिया तो वो नहीं आया। इन्होंने कहा सारे नाम मेरा ही है भैया, ये मुझे बुला रहे, भगवान श्री कृष्ण दौड़ कर आइए, और दौड़ कर आइए उनके, उन्होंने मोक्ष दिया। मोक्ष किसको पहले दिया? गजेंद्र इनका भक्त थे, इनके बुलाइए, गजेंद्र को मोक्ष नहीं दिया, भक्त के पाल को जब पकड़ रखा है दासानुदास, उस मगर को पहले मोक्ष दिया, उसको काटा। बस आप भगत न बने, भगत के भगत बने, हमारी मोक्ष पहले मिलेगा। ये हुआ वहां पर। सो इस तरह करके आठवां स्कंध में आखिर में संपत्ति में दान करो। अब महाबली के पास अपार संपत्ति था, वामन रूप में आइए, वटु रूप में आइए, ब्रह्मचारी के रूप में आकर कहा मेरे पाप से तीन पग दे दो, बस मुझे इतना ही चाहिए। परंतु यहां देखो वचन का परिपालन, यही रीति चली आई, रघुकुल रीति चली आई, वचन प्राण प्राण जाए पर वचन न जाए। और उनके गुरु कहते हैं देखो शास्त्र में ये लिखा है, वृत्यर्थे प्राण संकटे त्रिषु धर्म विवाहेषु, देखो कुछ समय पर आप झूठ बोल सकते हैं, जब आपका नौकरी जाने वाली है झूठ बोलो,
यदि नौकरी बच जाए तो। सो तुम्हारा सब कुछ चले जाएगा, मूढ़ वृत्तिश खत्म, तुम्हारा राज्य वगैरह सब चले जाएगा, तुम भिखारी बन जाओ, तुम कैसे रहोगे। सो ऐसी समय पर झूठ बोल सकते उनको कह दो सॉरी मैंने कह दिया था मैं अब नहीं लूंगा। ये समय रोचने साक्षात भगवान ईश्वरो हरि देवाना अमृत साधका। अरे भाई ये कोई साधारण कोई ब्रह्मचारी नहीं तुम्हारे पास आने वाले, सारे जगतपति लक्ष्मीपति और वो नारायण, अरे वही आए ये देवताओं के कार्य साधक ले आज तुम्हें तो सत्यानाश करा देगा। और बड़ी चक्रवर्ती हंसते हैं, भगवान धर्मो यम गृह में दिनाम, आप जो कहते तो गृहस्थों के लिए है, मैं तो एक तो राजा हूं धर्म से परिपालन करना है, धर्म को मैं नहीं छोड़ सकता हूं, और दूसरा है मैं कुछ आध्यात्मिक पद में होने वाला हूं, मेरे पिता मेरे ग्रैंड पिता प्रसाद सब भगवान के भक्त रहे, मैं भी भगवान के भक्त हूं, यदि वो मुझे मारना चाहे मारू, यदि वो भगवान नहीं हूं तो मैं उनको मार डालूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये इस तरह करके वचन में प्रतिष्ठित रहे, सत्य में प्रतिष्ठित रहे, और भगवान जो है परम सत्य है, इस सत्य के ऊपर के सत्य से ही सत्य पर पहुंचना है। अब नवा स्कंद में जो है वो पूरा वंशानुकथनम ऐसे ही कि वो चंद्रवंश और सूर्यवंश, सूर्यवंश में राम का आविर्भाव हुआ, कृष्ण का आविर्भाव हुआ, चंद्रवंश में दोनों में जितने भी राजा थे सभी परम धार्मिक थे, सभी भक्त थे, सभी विविध रूप में भक्त थे। सो विविध रूप की भक्ति के दिखाने के लिए कई चरित्र इन लोगों का सबका। देखिए एक चीज है, नारायण रामायण को जो जिस अभी इतने इतने पुराण है, रामायण जिसमें नहीं आया ऐसा कोई पुराण नहीं है। विष्णु पुराण में रामायण आता है, भागवत में रामायण आता है, महाभारत में रामायण आता है। इस तरह करके जब रामायण का राम का नाम लिया तभी उन लोगों की महिमा बढ़ी। भवभूति बहुत बड़े कवि थे, उत्तर रामचरित लिखे तब उसके बाद उनकी कीर्ति बढ़ी। सो इसीलिए इसमें भी रामचरित भी आता है, इस तरह करके सबके चरित्र आते हैं। उसके बाद दशम स्कंद आई और दशम स्कंद को कहते हैं निरोध स्कंद, जहां पर मन को इधर उधर नहीं पहुंचा सकते, बिल्कुल एकमात्र कृष्ण के ऊपर मन वही रहा, बस कृष्ण का ही सुना कृष्ण का ही देखा और कृष्ण ही बने, कम से कम वो आधा घंटा या एक घंटा जब तक आप सुनते रहे आप कृष्ण बन गए। क्योंकि घर भूला, बेटे को भूला, बेटी को भूला, केवल कृष्ण ही रहा, अपने को याद ही नहीं आया, तब कृष्ण ही बन गए। पर ये टेम्पररी है, इस तरह सुनते 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 शाश्वत रूप में हो जाएंगे। और भागवत की ऐसी महिमा है क्या कहें, ये तो एक औषध है, ये आप हम लोगों का कितनी कितनी बीमारियां है, सारे बीमारियों को एकमात्र औषध है ये, इस संसार सागर से तरने का महा औषध है। निवृत्त दर्श ही रूपगी यमानात, देखो हमारे गांवों में एक आध वैद्य रहते थे, उन दिनों में हम जाते थे, वो देखा ये तो बहुत बड़े रईस हैं, इनके पास गोली है एक दिन में ये ठीक कर देगा आपके, परंतु ये बहुत बड़े रईस हैं ना, इनको एक गोली दिया महाराज आप तीन दिन के बाद आई से तीन दिन के गोलियां हैं, उन्होंने 20 रुपया दे दिया गया, ऐसी गोलियां दिया जिससे थोड़ा सा बुखार और रहेगा। सो उनके अंदर कामना है वो ऐसी ऐसी दिखा रहेंगे, थोड़ा बहुत कम होता रहेगा, कोई 20-30 दिन रोज इनको 20-20 रुपये मिलेगा ना, एक ही दिन में क्यों करें तो 20 रुपये से खत्म। परंतु ये औषध जो है ऐसे ऐसे ऋषि मुनि ने बनाए जिनकी कोई कामना नहीं है भैया, ये तुरंत आपको रसन देने वाली, निवृत्त दर्श ही रूपगी यमानात बहुषधात। और औषध जो है जब पीते हैं अक्सर ये आयुर्वेद का औषध जो है मीठा नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, परंतु ये औषध जो है श्रोत्र मनोभिरामात, आप इधर से उस औषध को डालते हैं हाँ बहुत सुहावना लगता है, फिर अंदर जाकर आपका मन को भी सुख देने वाला है, बहुत मीठा है, मन के लिए मीठा है, यहाँ के लिए मीठा है भाई। सो ऐसी है ये कथा, और इसमें सी निरोध कैसे होता है, भगवान की इस लीला को सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो आप,
और सुनते 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 आपको भगवान की इस लीला में मन इतना लीन होकर इतना तल्लीन हो गया, घर बार भूल गया। अरे 11 बजे वो हमारी सर्वेंटमेंट आएगी वो कुछ करने के लिए, अरे भूल गया मैं उनको 11 बजे आने के लिए कहा, कुछ याद रही है, सब बाद में याद आ जाएगी। सो उस समय तो प्रपंच विस्मरण हुआ, घर का विस्मरण हुआ, आत्मविस्मरण हुआ, ऐसे पड़े रहे आप। सो ये जो है मन उसी में लग जाता है, इसलिए निरोध कर मन दूसरे में जा नहीं सकता, क्योंकि सातवां आठवां में सारी वासनाएं चली गई। वासना ही आपको काम करने के लिए कामनाएं देती है, वासना चली गई, अब तो प्योर माइंड है। अब आपका हृदय जब शुद्ध हो गया, इसमें भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव होना ही है। सो इसीलिए इसमें भगवान का आविर्भाव होता है। यद्यपि हम टोटल कहते हैं, फिर भी भगवान का एक मिनट उनका जन्म का तो स्मरण करें, क्योंकि जन्म कर्म भगवान का जन्म नहीं होता, अजन्मा है। फिर भी हम लोग जो जैसे माया मनुष्य के रूप में जब हुआ, देवक्याम देव रूपिण्याम, सो भगवान देवकी के गर्भ में आ रहे हैं। निशीथे तम उद्भीते जायमाने जनार्दने, रात 12 बजे भगवान का आविर्भाव हो रहा है। सो कैसे हैं, तम अद्भुतम बालकम अम्बुज क्षणम, बड़ा अद्भुत बालक है। अरे बालक में क्या अद्भुत है भैया, जेल के अंदर भैया हुआ क्या अद्भुत है, बालकम वही अद्भुत है। बाल माने ये छोटा बेटा है, कम माने ब्रह्म ही जो सर्वत्र है। सो इतने बड़े भगवान इतनी सी रूप में यहाँ आ गए, क्या अद्भुत है भैया, कम ब्रह्म है, कम माने ब्रह्म का ही है। इतने बड़े सर्वव्यापक ब्रह्म जो है, जैसे हम 1.5 घंटे के अंदर सारा भागवत आप सुनना चाहते हैं, इसी तरह इतने बड़े पर ब्रह्म इतनी सी रूप में वहां आ गए। बालकम अब्रह्म, बालकम अद्भुत क्षणम, बच्चे बच्चे जो है पैदा होते ही आंख खुलता नहीं है, आंख कैसा हो गया, इस भगवान का जो है बिल्कुल कमत्र से कमल पत्र से ऐसे ये भी अद्भुत है, क्योंकि भगवान जब आते हैं सबके ऊपर अपनी करुणा दृष्टि देना चाहते हैं, आंख मूंद कर क्या करना है। अरे साधारण बच्चे करते हैं, भगवान साधारण बच्चा थोड़ा है, सबके ऊपर अनुग्रह करना है, कृपा करना है, कृपा करने के बैठ कर ऐसे करे पूरा दृष्टि के साथ वहां पर। और कोई बच्चा, अब देखिए जब बच्चा पैदा होता है ना, उनके रिश्तेदार उनके पिताजी बाहर जाकर कोई लॉकेट कोई चीज बच्चे के लिए लाकर देगा। अब वसुदेव जी देवकी जी जेल के अंदर है, वो कहां जाए, किस दुकान में जाए, क्या लाकर दे दे। अरे मेरे माता पिता बड़े दुखी होंगे, सो इसलिए उन्होंने अपना जो कौस्तुभाभरण वगैरह वही से ले आई ट्रेजरी से, अब पिताजी फिक्र मत कर मैं अपना ले आया। यही अद्भुत है, आपने किसी बच्चे को देखा जो अपना कोई चेन के साथ पैदा हुआ, यही पहला बेटा है भाई, ये आखिरी बेटा है। तो और फिर ये बच्चे के लिए जब बच्चा पैदा होना है, कुछ 3-4 महीने के पहले ही उसकी माता जी सिलाने लगती है कुछ ऐसी, क्योंकि उनको पता नहीं कि ये बेबी होगी या वो बेटा होगा, सो इसलिए ऐसे बनाते हैं जो दोनों के लिए है। ऐसे कुछ जट्टी वो बनाते हैं। अब तो जेल के अंदर न कोई सिलाई मशीन है, न कोई कपड़े हैं, ये क्या करेगा। पिताजी फिक्र मत कर पीताम्बरम, अरे पीताम्बर पहन कर आ गए, फिक्र मत कर, देखो इतना बड़ा तो यहाँ मिलेगा नहीं सारी अर्थ में, यही अद्भुत है। और शंख चक्रम हाथ में, शंख इसके लिए क्योंकि बच्चे जब आती है ना, आप लोग कुछ ऐसे उनको दिखा देते हैं उनके सामने आकर करते रहे, फिक्र मत कर शंख में ले आयो। अब देखिए सारी प्रिपरेशन के साथ बच्चों के लिए जो जो सत्कार आप वो करना चाहता है परंतु कर नहीं पा रहे हैं, देखा फिक्र मत कर मैं सब लाया हूँ, यही अद्भुत है भाई, पूरा ले आए। केवल इतना ही नहीं, अरे कंस के पास इनको बड़ा डर है, हर कंस आ जाए कुछ करें, हम तो अपना राइफल राइट सब लाए, अपने चक्र भी लाए हैं, चक्रायुध है, कोई नहीं आ सकते है, केम विद द फुल एम्युनिशन ऑरिजिनल सब लेकर आएंगे। तो इस तरह करके वो भगवान थे।
में देखिए देखिए भगवान को संयोग से नहीं इतना नहीं पा सकते जितना वियोग में। अब आपके मन में अरे जलेबी चाहिए जलेबी चाहिए, अब जलेबी हाथ में आया अब जलेबी को भूल गया, अरे ढोकला रहे तो कितना अच्छा होगा। अब ढोकले के मन में हो गया इसके ऊपर, क्योंकि ये तो हाथ में आ गया इसके ऊपर क्या चिंता करना है। इसलिए जो वस्तु मिल गया इसीलिए तो भगवान सब गोपी के साथ आगे एक एक ने कहा भगवान मेरे यहाँ है भगवान मेरे पास आगे है, तब वो अत्याधार हो गए एकाएक। सो इनको टीच करना है वियोग में ही भगवान मिलेंगे, संयोग में होता नहीं कुछ। इसीलिए जब भगवान ने वहां अपनी बांसुरी बजाने लगे वो तो ऐसी बजाई, और रात को जितनी जितनी जो जो काम करती रही दुहंत्यश्चकेचित, कुछ लोग अपना दूध थक डाले जल सुनते ही भागने लगी, और कोई परोसते रही अपने पति देव को, अभी अभी वो कह रहा और थोड़ा सा दे दो आपो आपो ये बस वहां डाल दिया जाने लगी यहां से वो जाने लगी अपने आप तो करना पड़ा इनको। और ईश्वर के व्यस्त वस्त्राभरणा, और ऊपर डालने की चुन्नी को यहाँ पहना साड़ी को ऊपर डाले व्यस्त वस्त्राभरणा साड़ी वस्त्र आभरण को ऐसे वैसे करके सब भागने लगे। अब कौन कौन भागने लगे, क्या क्या भागने वालों को रोक रहे हैं, कौन रोक रहे हैं, एक भी स्त्री नहीं। अरे घर पर ननद क्या किए, सास है ननद है, ये लोग नहीं रोक सकती है। रोकते हैं वार्यमाणा चपति भी भ्रातृ भी सह बंधु भी से, इनके पतिदेव कहते हैं अरे रात को कहां जा रही हो, और इनके भाई साहब वहां बैठे उनका तो कहां जा रही हो, पर वहां एक स्त्री भी नहीं आकर इनको नहीं इसको रोका नहीं। क्यों नहीं रोका, उन्होंने स्त्री मोहनास्त्र को छोड़ा उस बांसुरी के स्वर के रूप में, सारी स्त्रियां जा रही है 90 साल से लेकर 8 साल तक जो भी चलती है। भगवान ने ये सोचा नहीं, उन्होंने सोचा सारी गोपी आएंगे 30 साल की 20 साल की 18 साल की, अब 90 साल की जा रही है। अब भगवान ने जब देखा अरे भाई इसमें दो बातें, अब पहली बात ये है ये लोग ये न, पर कुछ लोगों को उनके पति ने पकड़ लिया, पकड़ कर एक कमरे में डाल दिया जिस कमरे में कोई खिड़की नहीं कुछ नहीं। पुराने जमाने में गांवों में एक कमरा ऐसा होता था जिसको हम लोग कैमरा रूम कहता था, वो कैमरा रूम जो है ना जिसमें कहते वो तो ऐसे ही होता है, सो हम लोग उसको कैमरा रूम कहते थे, वो हमारे गाँव में होता था। सो उसमें से बाहर निकलने का एक ही दरवाजा है कुछ नहीं है और, सो अंदर डाल दिया अलब्ध विनिर्गमा, वो देखते हैं कि कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं उसको, तो वो ला करके चली गई। अब देखिए जितने गोपियां वहां गई भगवान के साथ रास क्रीड़ा खेली सब वापस आ गई, किसी का मोक्ष नहीं मिला उस दिन, पर जो लोग जो यहां पर बंद हो गए सभी का मोक्ष उसी दिन मिल गया। वो संयोग में जो गए उनको रास क्रीड़ा में नहीं मिला, ये वियोग में इनको मिल गया। ये कैसा होगा, मोक्ष कब मिलता है यदि आगे का आपका कोई जन्म ना हो। जन्म क्यों होता है, आपने कुछ पुण्य किया आपने कुछ पाप किया, पुण्य के लिए पुरस्कार मिलना है आपको, प्रमोशन मिलना है, पैसा मिलना है, लॉटरी मिलना है, इसलिए आपको शरीर मिला दूसरा जन्म मिला, और आपने कोई चोरी की ये की इसके लिए सजा मिलनी है इसलिए एक दूसरा शरीर मिली। अब यदि आपका पाप पुण्य सब खत्म ही हो गया, अभी ना पाप बाकी है ना पुण्य बाकी है, आगे शरीर नहीं आएगा, आपका सारी बंधन छूट गए, आपका मोक्ष हो जाएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स लायबिलिटीज दोनों इक्वल हो गया, बैलेंस शीट खत्म, ये हो गया। अब इन लोगों को अरे इतने इतने गोपियां हैं ये कैसा हुआ, सभी का सारे पाप सभी खत्म हो गया उसी रात को, सभी पुण्य खत्म, ये कैसे हो सकता है, ये हो गया। दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्रताप दुदाशुभाः ज्ञान प्राप्त अच्युता श्रेष्ठ निर्वृत्या क्षीण मंगला। बस इस दोनों में इसका पाप कैसे चलेगी है, इसका पुण्य कैसे चले, पाप कैसे चले। अब अपना जो प्रियतम दुस्सह प्रेत विरह, बड़ा वो विरह, हरे सारे लोग भगवान के पास गए, मैं ही यहाँ रह गया, कृष्णा कन्हैया ये क्या हुआ,
सारे लोग तुमसे आकर वहां पर पूरा भोग कर रहे हैं, हम तुम्हारी मुखमल को देख भी नहीं पाएंगे क्या? दुस्सह प्रेत विरह, इसलिए उसके अंदर तीव्र ताप, बिल्कुल आग जैसा अंदर जलन हो रहा है। ये जलन का जब अनुभव हुआ, सारे पाप उसमें धुल गए। पाप का तो कुछ परिश्रम नहीं, यही पनिशमेंट है और क्या। सारा शरीर इतना दुख रहा है और सारा शरीर में जलन है, सारी रात इतनी तीव्र, ये साधारण जलन नहीं है, साधारण अग्नि नहीं है, ऐसे तीक्ष्ण अग्नि तीव्र ताप, इसमें धुल अशुभ, उनके सारे अशुभ जितने भी उन्होंने पाप किया सब धुल गए, अब पाप चला गया। अब पुण्य कैसे चले उस रात को? ज्ञान प्राप्त, अब ये लोग ज्ञान में बैठे हैं। कृष्णा हम तो तुम्हारे पास आ नहीं सकते, तुम आओ ना, तुम तो हर जगह जा सकती हो, अरे ताला हो या ना हो, तुम तो साक्षात पर ब्रह्म हो, तुम तो आ सकते हो भगवान, एकाएक दिख रहे हैं। ध्यान प्राप्त अच्युता श्लेषण, ये सोचते सोचते आओ वहां से आ गए हैं। स्मयमान शौरी ही स्मयान मुखा स्मित मुख्य साथ वो आ गए, साक्षात मनमथा मनमथा बिल्कुल कामदेव जैसे अंदर आ गए। कृष्णा आ गया, जाकर आलिंगन कर रहा, आलिंगन करते हुए ऐसा सुख, ऐसा सुख, ऐसा आनंद जो दुनिया में कभी नहीं हुआ, इसलिए इनके जितने भी पुण्य किए सबका जो कूली अब मिल गया, मजदूरी हो गया खत्म। अब सारे पुण्य धुल गए, सारे पाप धुल गए, अब छित्वा गुणवयम देहम, ये सारी जो वासना से बनी है, गुण से बनी है, ये सारे पाप जब धुल गया, देह खत्म हो गया, देहांत हुआ, बस प्रक्षीण क्षीण बंधना, बस उनका सारे बंधन छूट गए, बस भगवान के साथ एक ही भूत होंगे। ये देखिए, इसलिए भगवान न मिले अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली समझिए, क्योंकि अब तो आप उनका कृष्णा कृष्णा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, कृष्णा एक बार मिल गया, अरे मिल गया यार, कभी भी फिर भी आ जाएगा, भूल जाएगी। इसलिए विरह में जो मिलेगा वो संयोग में नहीं मिलेगा, ये हुआ। और दशम स्कंध में और क्या कहें, उसमें से कई चीजें, बस अब किसको बोलूं किसको न बोलूं, यही हमारे समझ नहीं आ, क्योंकि 11:30 तो हो ही गया है। अब देखिए, हर कथा जो है कथा नहीं है, ये बिल्कुल कोई कथा नहीं, हर चीज में आपकी साधना का कोई भाव है, उसमें आपको इसे करनी चाहिए। अब सुखदेव ने कह दिया, अरे परीक्षित फिक्र मत कर, 7 दिन में तुम्हारी मुक्ति होगी, हम ऐसी कथा सुनाएंगे भगवान की, इसको सुन सुनकर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। 5वां दिन, अभी 2 दिन बाकी है, अब इसने एक किडनैपिंग की कथा सुनाई, एक रुक्मिणी जी को कैसे ये जाकर चुपके से उनको अपहरण करके अपनी गाड़ी में ले आए, ये सुनकर किसका मोक्ष मिलेगा, तुम्हारा मेरा, अरे भगवान की किडनैपिंग काम किया और मुझे मिलेगा, और फिर उसका विवाह इतने इतने बढ़िया। और कथा लोग जो है ना हमारे यहाँ बहुत बढ़िया कहते थे, वो रुक्मिणी का जब कथा गाता था भागवत में, वो कहेंगे पूरी पापड़ मृदु बक्षाणी सोपूरी वाह पापड़ वाह, जा क्या क्या उनको मिला उस दिन भंडारा में, उसका डिस्क्रिप्शन का वो गाना गाएंगे वहां पर, ये होता है। अरे रुक्मिणी हरण ये सब सुनकर किसको मुक्ति मिलेगा 5वां दिन, ये तो ऐसे करा है, अरे भैया 5 दिन हो गया हमारा, मुक्ति कहा मुक्ति कहा, उनके लिए आप कथा सुना रहे हैं, ये रुक्मिणी का कथा नहीं, ये जीवात्मा की कथा है। अब रुक्मिणी जी का विवाह शिशुपाल से निश्चित हो गया, और अगले दिन शिशुपाल से इनका होना है, परंतु चाहती है ये कृष्ण को, अब करें क्या, इसे कभी देखी नहीं है, परंतु इनके मन में आ गया कि जरूर उन्हीं से शादी करना है करके, ये सुन रखा है। सो एक ब्राह्मण को बुलाकर ये लव लेटर लिखती है, जैसे आजकल 10वां में पढ़ने वाला एक लड़की लड़के को लिखती है,
लड़की क्या लिखती है, देखो कल सवेरे मैं स्टेशन में पश्चिम कोण में खड़ी रहूंगी और बिहार एक्सप्रेस 6 बजे आएगी, तुम भी आ जाओ, मैं इसमें मेरे सारे गहने और मेरे पास पैसा ज्यादा नहीं आधारी है उसको लेकर आ जाऊंगा, तुम अपना सारी पैसा लेकर आ जाओ, हम भाग जाएंगे। यदि तुम नहीं आओगे पता ही क्या होगा, मेरी लाश मिलेगी मंदिर के अंदर जो तालाब है वहां पर। बिल्कुल रुक्मिणी जी ने ऐसे ही ये लिखा। पहले तो उन्होंने लिखा, अरे वो तो क्लासमेट थे वो जानते थे, यहां तो जानते भी नहीं है, इन्होंने उनको नहीं देखा, उन्होंने इनको नहीं देखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर चिन्वतांत, श्रुत्वा गुणान, देखिए भगवान को पाने के लिए, परब्रह्म को पाने के लिए अद्वैत में आखिरी जिसको अंतरंग साधन कहते हैं वो तीन है, श्रवण मनन निध्यासन। सो श्रवण से ही शुरू होता है, किसी ने आपको कहा महावाक्य का श्रवण हो या भगवान के बारे में श्रवण हो, इसी से शुरू होता है। रुक्मिणी जी के पिताजी के सभा में इतने इतने महर्षि लोग आकर गाना गाते थे, कई कई सत्संग होता था उस संग में, उस वहां पर देवर्षि लोग जैसे नारद जी आकर भगवान श्री कृष्ण के गुण गण को गाते थे, उसको सुन सुनकर प्रेम हो गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शिन्वतांत, सेवर सुन सुनकर प्रेम। अब हमने कहा कृष्ण को देखा, आप सुनो बार बार सुनो सत्संग में सुनो, भगवान ऐसे थे भगवान ऐसे थे, भगवान के पास प्रेम करो और तभी आप समर्पण कर सकते हैं। समर्पण कब करोगे, तुम ये कुछ भी देना हो उनसे कुछ आपका प्यार हुआ इसीलिए तो दिए। यदि किसी से दुश्मनी को, अपने दुश्मन को ले जाकर आप 10,000 रुपया देंगे कभी, अरे अपने प्यारे को ही तो देंगे आप। सो पहले भगवान को पाना हो तो प्रेम की जरूरत है, प्रेम से दे दो। तैतृय वर्ष में कोई भी दान दे दे वहां लिखा है कैसे देना है करके, क्रिया देयम बिया देयम प्रेम ना देयम संविदा देयम आदे हृदय वृत्त चिकित्सा वास्ते आदे, सो इस तरह करके तैतृय में कैसे दान देना चाहिए। पहले भाई के साथ दे दो, प्रेम के साथ दे दो, ये साक्षात भगवान करके उस नॉलेज से संविद माने वो ज्ञान, उस ज्ञान से दे दो। अश्रद्धया न देयम, अश्रद्धा के साथ आओ यार ले जाओ चलो 10 रुपया दे चल यार, ऐसा देने से कोई दान नहीं है। आपको बड़े उसको नारायण समझकर, अरे इनको तो नारायण जब आते हैं उनको 1,00,000 रुपया दे दे तब भी काफी नहीं है, मैं तो इतना ही दे सकता हूं, मेरा मन इतना ही देने के लिए तैयार है, इस तरह करके लज्जा के साथ दे दो, भाई के साथ दे दो, ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं चाहिए। सो इस तरह करके रिया देयम संविदा देयम, सो इस तरह करके ये लिखवाए, प्रेम की बड़ी जरूरत है। सो ये कहते हैं उसी से प्रेम हो गया, सुन सुनकर प्रेम हो गया हमें आपके गुणगण के। पहले ज्ञान हुआ तो भगवान ऐसे हैं, भगवान ऐसे गुण के हैं, सो ज्ञान योग पहले हुआ उसी से भक्ति योग आया। किसी के बारे में सुन सुनकर उनसे प्रेम हो गया, ज्ञान योग से प्रेम हो गया। उसके बारे में लिखा है स्वामी शांतानंद बहुत अच्छे आदमी है, सुन सुनकर आपको प्रेम हो गया। या शांतानंद से कहा भी आकर मिले, अरे बहुत अच्छा आदमी है, जब आते रहे कुछ नहीं मालूम है, फिर पूछने लगे कालिदास भाई क्या थी आविच्छे पूछना थी। सो ही विल गो ऑन आस्किंग, सो सारी ज्ञान आपको मिल जाएगा। सो भक्ति में जाओ ज्ञान आ जाएगा, ज्ञानी में जाओ भक्ति आ जाओ, ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये के अलावा दूसरा नहीं है। और भक्ति माने प्रेम, सो अत्यंत प्रेम करो, सारा ज्ञान आ जाएगा आपको। परब्रह्म हो तो परब्रह्म मिलेगा, और पूर्ण ब्रह्म जो कृष्ण मिले तो कृष्ण जाएगा, वो नहीं। अब देखिए भगवान को दिखेगा। अब इतने लोग जब गए, सारी 90 साल की बुढ़िया कहते राधा क्रीडा क्या करे, अरे उनको तो हाथ देना पड़ेगा फिर डांस कहा होगा, वो तो ऐसे ही डांस कर रही है। सो इन्होंने कहा अरे इनको कैसे निकाला जाए यहां से, उन्होंने एक ही श्लोक बोला, उस श्लोक को जो बूढ़े लोग थे उन्होंने समझा, वो कहते हैं कि प्रेम से कि तुम घर जाओ, वो घर चले गए। और उसी श्लोक का इन्होंने अर्थ किया, बाकी लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यही रहो। ऐसे किसी भी शास्त्र में किसी भी लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता है, एक ही श्लोक से दो विरोध अर्थ मिले। उसने कहा अरे तुम लोग आ गई है, पहले तो कहते हैं स्वागतम भो, हाँ आप लोगों को स्वागत, तो अपना
शिष्टाचार तो बिल्कुल पूरा है कृष्ण का, शिष्टाचार पर अंदर से एक मारेगा शिष्टाचार सबको स्वागत हो, किंग करवाणी थे आपको, मैं क्या कर सकता हूं। फिर उसके बाद कहते हैं अरे भाई रजन्येषा घोरतमा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम शीघ्रम नेहत्येयम सुमध्यमा। अरे भाई रजनी माने रात, अरे ये रात बड़े घोर है, बड़े भीषण है, देखने में बड़ा डर लगता है, इसलिए अंधकार रहे। रजन्येषा घोरतमा घोर सत्व निषेविता, सत्व माने जानवर, यहाँ तो बड़ी बड़ी शेर सांप इत्यादि भयंकर जानवर हैं। अरे और यहाँ आप लोग आते हैं सुमध्यमा, अरे अच्छे कुल वाले, अरे रात को 12 बजे घर जाए तो बाकी लोग क्या कहेंगे। नहीं नहीं प्रतियात व्रजम शीघ्रम, सो अपने व्रज भूमि को आप शीघ्र जल्दी चले जाओ, वापस जाओ, यहाँ मत रहो। न यथेयम सुमध्यमा न यह स्थेयम, इधर न रखना जाओ। और बूढ़े लोग को यही समझा, हाँ ये भी ठीक है, हम लोग अब जाकर इससे करें ठीक है। अच्छा महाराज चल पड़े वो। दूसरे लोग क्या समझे, रजन्येषा अघोरतमा, ये रात जो है कितनी सुहावना रात, वैसे ही रात भीषण होता है पर आज रात जो है बहुत बढ़िया है, चंद्रमा है अच्छा है। अघोर सत्व निषेविता, यहाँ जितने भी जानवर सब फालतू है, कुछ नहीं करेगा, शेर आकर आपको चाटेगा, कुछ नहीं है, सब प्रेममय है, ये जगह तो प्रेम की भूमि है, प्रेम के अलावा कुछ नहीं, द्वेष तो होता ही नहीं है, सो यहाँ पर कुछ नहीं है। प्रतियात व्रजम शीघ्रम न, न जो बाहर था उसको अंदर ले लिया, प्रतियात व्रजम शीघ्रम न, जल्दी जल्दी वहां मत जाओ, यही रहो, अरे थोड़े देर हम लोग यहाँ पिकनिक करें फिर जाओ, बहुत बढ़िया। हमने कहा ये ठीक है। अब देखिए एक ही श्लोक में ये व्यास जी के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकते, ये ब्रह्मविद्धि ये कर सकते हैं, साधारण कवि भी इतने इतने रघुवंश पढ़े हैं, इतने इतने मेघदूत पढ़ा हूं, सारी जितने भी कविताएं हैं हम शायद सब कुछ पढ़ चुके हैं, किसी में भी ऐसा एक श्लोक जिससे कि वो दोनों भगवान ही साक्षात, सो वो तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्ता, सब कुछ कर सकते हैं भगवान, सो इसलिए इसी श्लोक से उनको वो पिछवा दिया। ऐसे है इसमें जो है हर चीज इतने मिटिकुलस से, आप देखिए ये वरकवि का ही, ये साक्षात भगवान की, इसका भी इतने इतने सबूत है। जो समुद्र मथन का वो कथा आती है अष्टम अष्टम कंध में, समुद्र मथन करते वक्त, वो भी समुद्र मथन नहीं है, वो भी कुछ दूसरा है, अब तो रुक्मिणी का पूरा नहीं किया, फिर समुद्र मथन में आएंगे रुक्मिणी का, जो क्योंकि विवाह को बीच में नहीं छोड़ना बड़ा पाप है, नहीं रुक्मिणी का विवाह पूरा नहीं है, ऐसी बात नहीं, मैंने यही 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 कहने के लिए वहां पर ये जो लेटर लिखी थी उस लेटर में आखिर में लिखी, यदि आपका प्रसाद न मिले, आपकी कृपा इस बार न मिले, न लभे तवत प्रसादम जिख्याम हूं व्रत कृषान शत जन्म भी स्याते, देख आप नहीं आते मैं क्या करूं, शिशुपाल से नहीं करूंगी, क्योंकि भाई जन्म जन्म में ये जीवात्मा थी, जीवात्मा कहता है भगवान जन्म जन्म में हमारी शादी शिशुपाल से होता रहा, जन्म जन्म से मैं शादी किया, शादी के पहले मेरे छोटा भाई हुआ, जब मैं 8 साल का था मेरी माता जी कहती थी अरे ये शैतान ये पांव को ऐसे पकड़ पकड़ कर कुछ नहीं कर दे, तुम्हारी छोटी बहन को लेकर तुम एक बार घूम कर आ जाओ, तब हमारा शिशुपाल 8 साल में शुरू हुआ, बच्ची को लेकर गया बेगड़ा, फिर उसके बाद शादी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑफिस से थककर आइए, देख ये शैतान हमको न दिन में सो जाता सोने देता है, न रात को सोने देता है, हमेशा रोता रोता रोता, लो अब तुम करो शिशुपाल रात दिन भर। अरे भैया हाँ अब रिटायर हो गया चलो छुट्टी, नहीं मेरे भाभी भी कॉलेज ऑफिस जाती है, मेरा बेटा भी ऑफिस जाता है, जाते समय बच्चे को क्योंकि घर पर वो नहीं है, सो मैंने वहां कर दिया और कहा पिताजी कल भूल गया ना, इसलिए मैं यही रखा हूं, ये 1 बजे देना है हॉर्लिक्स,
अच्छा जी, अब 70 साल में भी वही शिशुपाल। सो इस तरह करके भगवान मेरी शादी शिशुपाल से ही होती रहा जन्म जन्म से, पता नहीं किसी सौभाग्य से इस जन्म में श्रुतवा गुणान भवन सुंदर है। और कोई महर्षि लोग आए, कोई सत्संग में गए, पहली बार मैंने सुना श्री भगवान श्री कृष्ण है करके, भगवान अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, अब शादी करना हो तो आप इसे करूंगा, यदि आप मुझसे न ले जा, क्योंकि अब यहाँ जो है मुझे कोई आपके पास आने नहीं देती, इतनी वासनाएं मेरे घेर रखी हैं और इतनी इतनी अहम, इतनी इतनी ममता का, सो ये सारे सैनिक मेरे शादी कोई जाने नहीं देगा, जब तक आप खुद आकर इन सबको मार कर आप मुझे ले जाए तभी होगा, इसीलिए आपको अपहरण ही करना पड़ेगा। पर उसके लिए मैं कहूंगा करके वो कहती है, सो क्या कहती है, यदि इस बार आप नहीं आ जाए क्या होगा, वो लड़की क्या लिखती है स्कूल वाली, नहीं आ जाए तो तालाब में मेरा लाश मिलेगा, बिल्कुल उसी तरह आप यदि नहीं करें, मैं उपवास करते 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 व्रत करते करते इस बार तो मैं शरीर छोड़ दूंगी, मैं शादी नहीं होगा, और ये बार इस बार नहीं, हर जन्म में तुम्हारे पीछे पड़ूंगी, एक बार मैं मालूम हो गया, एक बार आपको भगवान की वासना हुई, छूटेंगे नहीं, अगले जन्म में आएगा, उसके अगले जन्म में आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा, हर बार तुम्हारे प्रार्थना करूंगा, हर बार यदि तुम नहीं आ जाए फिर उस बार भी मैं व्रत कृष्णाम शत जन्म विस्याह, 100 जन्म भी हो हर बार मैं उपवास करते करते यदि नहीं आ जाते हो तो मैं शरीर को छोड़ेगा। अरे एक न एक दिन तो तुम्हारी कृपा आएगी ही। ये थी सो ये परमात्मा का ही लव लेटर है जीवात्मा का, ऐसे करते रहे, ये है रूपणी हरण तथा प्रधान। सो इस तरह करके ये स्वांगा हो गया, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है, इसमें से एक एक शब्द में इतनी इतिहासता भरी है, इसको समाधि भाषा कही, भागवत कोई संस्कृत नहीं है, संस्कृत पढ़कर कोई पंडित इसको करे बिल्कुल गलत है, इसके लिए एक एक जो है आप बैठिए उसी के ऊपर आप ध्यान कर लीजिएगा, मैंने ऐसे करके इतनी इतनी बढ़िया बढ़िया अर्थ निकाली जो 12वां व्याख्या में नहीं मिली, न जीव गोस्वामी का, न विश्वनाथ चक्रवर्ती का, न श्रीधर एम में, कहीं नहीं मिला, ऐसे ऐसे इसमें मिला है, ऐसे है यहाँ पर। अब हम 11वां में चलेंगे, बहुत बढ़िया है, 11वां में चलेंगे, 11वां समुद्र मंथन है, हाँ समुद्र मंथन, ये समुद्र मंथन जो है हमारा ध्यान का प्रोसेस है, ध्यान कैसे किया जाए, ध्यान जो है आपका जो हृदय में जो होता है, हृदय में मंथन करते हैं, उसी को आप मेडिटेशन करते हैं, मंथन करके उसमें जो कचरा है वो निकल जाता है, उसमें जो द्वेष है ये सब निकल जाता है, सो फिर अंदर से जो नवनीत जो आता है वही साक्षात भगवान ही, वही श्री कृष्ण है, कृष्ण ही मक्खन है, मक्खनी कृष्ण, इसलिए उसको माखनी कृष्ण कहते हैं हम लोग। सो इसके लिए क्या होता है, समुद्र मंथन में क्षीर सागर पहले जो था ये तो प्योर ही था, इसके अंदर तो बहुत बढ़िया बढ़िया अमृत तो इसी के अंदर है वो, सो उसको मंथन करने के लिए आपको एक मखनी तो लिया, ये बहुत बड़ा सा, वो अंदर नहीं बैठ रहा है, वो इधर उधर उछल रहा है, क्योंकि नीचे बैठने के लिए कोई बेस नहीं, तब क्या होगा, आप मेडिटेशन के लिए बैठे, मन इधर उधर उछल रहा है, वो बैठता नहीं एक जगह पर, तब क्या करेंगे, भगवान से ही प्रार्थना करो, भगवान मैं तुम्हारी ध्यान करना चाहता हूं, ये नहीं आ रहा है, तुम ही मुझे मदद करो, ये का मात्र अवलंबन, बाकी अवलंबन कोई नहीं है, न भांग पीने से होगा, न किसी से होगा, बस सारा अवलंबन वही है, वही मार्ग है, वही हमारे इष्टदेव है जिसको पाना है, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते वही कच्छप रूप में आइए, कच्छप रूप में क्यों आइए, अपने मन को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए, कूर्मों गाड़ी में सर्वशाह, जब कोई विषय आपके सामने आया, आपको जो प्रलोभन करने वाला, जब कोई डंडा लेकर कोई आया, इसको देखा, कछुआ क्या करता है, अपने सारे अंगों को, अपने सर को उस ढाल के अंदर वो संकुचित कर लेता है, इसी तरह जब भी विषय आ जाए आप उसको संकुचित कर लो, कछुआ बन लो, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, यही है वो कच्छप का अवतार। अच्छा कच्छप का अवतार हुआ, पहले पहले उसमें से क्या निकला, हलाहल विष निकला,
जब भी आप अपने मन को स्थिर करने के लिए सारी दुनिया को भूल कर बैठे, तब सारी जितने भी जो 20-20 साल के पहले हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ, किसी को आपने मारा, किसी ने आपको मारा, ये सारी चीज आ जाएगी। वो आदमी भी मर गया, पर 20 साल के पहले उसे सबके सामने क्या कहा, बस दान ये वो अब दोबारा हुई इंसिडेंट, दोबारा आप उसका अनुभव कर रहे हैं, ये दूसरी बार आप कर रहे हैं, इससे अब वो वासना बढ़ेगी, ये वासना ये फिर बढ़ेगी आपको। सो इस तरह करके जो ये सब है, और कभी कभी आप जब बैठते हैं पहली जो शुरुआत में बैठते हैं, इतनी गंदी ख्यालें आ जाएगी, छी छी हम भगवान के प्रति क्यों ऐसी गंदी। आप कभी कोई सिनेमा में कोई देखा होगा, पता नहीं क्या है, हर गंदी कोई एक बार आप सुने होंगे, कोई म्यूजिक वही आएगी उस समय पर, भगवान का नहीं आएगा। सो ये क्यों आती है, वही हलाहल विषय जो पहले ऐसा है, आपके घर में जो गंदा नाला है उसको साफ करना है, इतने दिन रहा बदबू आ रहा था, जिस दिन साफ करने लगा उस दिन जो है बदबू 10 गुना बढ़ेगी, क्योंकि अंदर से नीचे से सब निकाल रही है ना। इसी तरह आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ है ये सभी आती है, ये सब विष है, सब इस विष को वहां तो शिवजी खाया, अब यहां कौन खाएगा इसको, ये तो आता ही रहेगा, नहीं तुम शिवजी बनो। शिवजी वैराग्य के प्रतीक है, केवल दुनिया की चीजों से पूरा वैराग्य करो, न पहले का द्वेष, न अब का द्वेष, न भविष्य का द्वेष, द्वेष नहीं होगा, राग द्वेष रहित होगा, किसी में कोई कामना नहीं होगी, शिवजी बनो, पहले वैराग्य का करो, उसके साथ साथ तभी तो ध्यान बनेगा आपका। सो वैराग्य का प्रतीक है वो, सो ये करो, सो उसके बाद जो है आपकी सिद्धियां आने लगेगी। कोई आया आपके पास, आपने कहा आप अहमदाबाद में नया वाड़ जो रहते हैं ना, अरे हल्का कैसा मालूम है, ये सिद्धि है, छोटी सिद्धि है, इनको मालूम है कि जो आते हैं वो कहां से आते हैं, क्या आते हैं। या आओ भैया आओ, ये लो एप्पल, अरे महाराज ऐसे करके एप्पल दिया, ऐसी चमत्कार कुछ आ जाती है। इसी तरह ये प्रलोभन वाली चीजें हैं वो सब पहले आई, कौस्तुभ मणि आई है, और बहुत बड़ा सा फर्स्ट क्लास एक घोड़ा आया। यदि उस समय उस सिद्धि को अपना कर आप ले लें तब आगे नहीं बढ़ेंगे, सारी सिद्धियां को गोली मार कहोगे मुझे नहीं चाहिए भाई तुम आओ कहीं जाओ, सिद्धियां जो ही रुकावटें हैं। सो इसीलिए उन्होंने कौस्तुभ मणि को भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, और उच्चे सरस को उसने बलि को दे दिया, इस तरह करके सबको देकर ये बैठा रहा। और फिर इसमें एक है, 8 आइटम्स आती है, उसमें आठवां जो है लक्ष्मी जी आ रही है, ये कहा आ रहा है, 8वां स्कंद में 8वां अध्याय में 8वां श्लोक में अष्टलक्ष्मी का आविर्भाव। इस तरह के कोई बना सकते हैं क्या कोई किताब में, यही है इसके वर्कव्यू के चमत्कार। ये 8वां में अष्टलक्ष्मी माने धैर्यलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, मोक्षलक्ष्मी, साम्राज्य लक्ष्मी, इस तरह करके 8 लक्ष्मी है, कई कहीं 8 लक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी का टेम्पल्स है वहां पर। सो अष्टलक्ष्मी का प्रतिभा हुआ, लक्ष्मी को भी टुकड़ा दो तभी तो आपका मोक्ष मिलेगा, जब इसमें फंस गए फिर मिलेगी, इसको किसको दें, किसी को भी दें वो फंसेगा। सो इसलिए आप अच्छा नहीं कर रहे, भगवान नारायण को ही दे दो तब किसी का कुछ नहीं होगा, बाकी को किसी को दे दिया, इसको बलि चक्रवर्ती को दे सकते हैं, नहीं नहीं ये नारायण को ही दे दो, नारायण अर्पणमस्तु, जब पैसे की सिद्धि आई उसको तुम नारायण को अर्पण कर दो और ट्रस्टी रूप में उसको उपयोग करो, भगवान ये तुम्हारा मेरा कुछ नहीं है, बस इस तरह करते रहो तब मिलेगा। सो इस तरह करके ये सब प्रोसीजर जो है ये ज्ञान का ही, ये कोई अमृत मंथन का नहीं है, तब अमृत मिलता है, अमर बन जाते हैं। अब 11वां स्कंद में ये एक अवधूत जा रहे हैं, उनको 24 गुरु होते हैं, कैसे दुनिया में हर चीज से आप सीख सकते हैं, केवल गुरु से नहीं, हर चीज को देखकर उससे कुछ कुछ आप सीखते हैं। अब आप सांप को देखा, सांप अपना घोंसला अंदर रखने के लिए नहीं बनाते, अपना मकान नहीं बनाता, अब कोई दीमक वगैरह अपना बना रखे इतनी इतनी बड़ी वो मिट्टी से, उसके जाकर उसका वही रहता है,
इसी तरह हम लोग जो है कोई अपना घर बार बनाने में तो ही इसी में समय चली जाएगी, आपका सारे ध्यान वान सब चली जाएगी। करने वाले को करने दो और उसी में रहो, यही अच्छा है। और अजगर से क्या सीखा, अजगर जो है कि इसे इतनी बड़ी है वो एक ही जगह पर पड़ी रहती है, वहां जो मिला उसी को खाता है। एक मक्खी मिला मक्खी को खाता है, एक इतनी बड़ी कोई गाय आया गाय को वो ऐसे करके उसको आखिर में वो अपना डाल दिया। उसको अजगर व्रत कहते हैं, जहां चाहे तो वहीं रहो, वहां जो मिला सो ठीक, कुछ नहीं मिला कोई बात नहीं, सो इसको अजगर व्रत कहते हैं। आखिर में एक पिंगला एक वेश्या का है, वो वेश्या कोई नहीं, हम सब वेश्या ही है। वेश्या वो है जो अपनी शक्ति अपने पास जो रिसोर्सेस है जो कुछ है उसको दूसरे को पैसा लेकर जो बेचती है। हम लोग अपने दिमाग को बेचकर काम करते हैं, सेक्रेटरी में करते हैं, कंपनी में करते हैं धन कमाने के लिए। वेश्या भी धन कमाते हैं, हम भी धन कमाते हैं। आपका दिमाग को आज इस कंपनी को दिया क्योंकि वो 10,000 रुपया दिया, इसको जो दूसरे को दिया 20,000 रुपया दिया, यही तो वेश्या भी करती है। सो हम लोग वही काम करते रहे। परंतु देखिए सत्संग का प्रभाव, ये एक रात को पिंगला रात भर खड़ी रहती है मिथिला नगरी में। अब इनका कुछ एज भी हो गया, कोई नहीं आ रहा है, ये रात भर अंदर जाती है बाहर आती है, अरे कोई आज कस्टमर नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। उस समय भगवान की दया से कृपा से अवधूत दत्तात्रेय उधर से चल रहे हैं और हवा चल रही है और उनके शरीर को स्पर्श करते हुए हवा आकर इनके शरीर में पड़ा, ज्ञान हुआ। तुरंत वो कहते हैं, हा मैं कितनी बेवकूफी, संतम महंतम, देखो इतने बड़े महान एक बिल्कुल रमणम रतिप्रदम बड़े सुंदर और हमारे मन में प्रेम को उत्कट प्रेम को जो उत्पत्ति करने वाले वो मेरे पास ही थे। वित्तप्रदम, अरे वो पैसा देते ये पैसा, अरे एक जितना पैसा देंगे उसको रखने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं होगा, कोई बैंक नहीं रखेगा, इतना पैसा दे सकते हैं। वित्तप्रदम, सो इनको मैंने छोड़ दिया, इनका मैंने बिल्कुल उपेक्षा कर दिया, बिल्कुल दुख शोक आरती देने वाले क्षुद्रम तुच्छम बिल्कुल तुच्छ ऐसे आदमी के लिए मैं तरसता रहा। छी ऐसे कौन हो सकता है दुनिया में करके, एक मिनट में उसका इतना निर्वेद इतना वैराग्य आई, छोड़ी उस जगह वो जाकर जंगल में जाकर तपस्या करने लगी। यह पिघला सब हम लोग का ये कथा, यह कोई कथा कथा नहीं है, सब अपनी साधना के लिए हमारे लिए है। एक एक एनेक्डोट मैंने एक छोटा सा किताब पहले पहले जो लिखा 92 में मैसेज फॉर द मॉडर्न मैन फ्रॉम श्रीमद् भागवत, उसमें केवल एक एक स्कंद को लेकर उसमें से एक एक को लेकर उसका जो अंदर का ये क्या अर्थ है, क्या साधना उससे मिलती है, ठीक है। ये तो मेरा अपना कोई नहीं है, ये सब मेरे गुरु के प्रभाव से गुरु कृपा से ही मिली। सब इस तरह करते हैं। सब आखिर में 12वां स्कंद में इसमें तो आखिर में भगवान कृष्ण का निर्याण हो जाता है और इसमें तो खासकर दो तीन कहीं, एक तो ये 24 गुरु के साथ उसके बाद 9 योगीश्वरों का है। उसमें जैसा मैंने कहा ना, बार 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 इसमें जो आता है वही इसका सारांश है, वही बीच में आ जाता है। किसी ने कहा भगवान आपके परम भक्त कौन होते हैं, त्रिभुवन विभव हे तब अगुंठ स्मृति ही। किसी ने कहा स्वामी जी आप क्या ध्यान ध्यान कर रहे हैं, इधर आ जाओ मैं तीनों लोगों का अधिपति तुम्हें बना दूंगा, पूरा जितने भी वैभव जितना भी ईश्वर सब तुम्हारा है। त्रिभुवन विभव एपी अकुंठ स्मृति, एक मिनट में उनकी तरफ देखा नहीं, मैं केवल अपनी स्मरण में रहा, उसकी नारायण का स्मृति में इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, अरे भाई मैं कहता हूं तुम्हें त्रिलोक दे दूंगा। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, त्रिभुवन विभव एपी अकुंठ स्मृति, उसमें भी उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता है। और जो है न चलती भगवत पदारविंदात्रे लव निमिषार्धमपि सविष्टवाग्यः, जो जिसका मन भगवान के जो चरण कमलों में जो लगी रही है एक सेकंड के लिए भी कभी, जो लव निमिषार्धमपि न चलती जरा इधर उधर हिलता नहीं,
अरे चलने की बात छोड़ो, जरा सा हिलता नहीं, जैसे पेंडुलम खराब हो गया वो ऐसे ही खड़ी है, वो चलती नहीं। इस तरह करके वो जो खराब हुआ पेंडुलम, जैसे बस ऐसे ही रहो, वो जो है वो ही हमारे परम भक्त है। इस तरह करके नव योगीश्वरों का वहां आता है। सो हर बार यही है, भगवान का सतत स्मरण, ये एक मिनट भी छोड़िए मत। आपने दूध रखा, दूध सारी उबलकर नीचे गिरा, मारो गोली, कृष्ण का ही नाम लेते रहो। ऐसा हुआ, हमारा दो बार हो चुका है। मैं ऊपर रखा वो, यहाँ ये कमरे को साफ करने के लिए वो आई थी, मैं बाहर गया, मैं इसको भूल गया। बिल्कुल वो जाने के बाद आया, तभी वो ऊपर आ रहा था, एक नीचे नहीं गिरा, मैं आकर रख दिया। अब कल या परसों की बात है, मैंने फिर रखा, उसी समय पर यह आ गई थी, मैं वहां चला गया, मैं भूल गया, और तभी तो किया ना ये कृष्ण किया। हाँ वो उसे आपने आप आए थे भाई चाल, तभी यहाँ आए थे ऊपर से, वो उसको निकाल दिया मैंने। बाद में मुझे दो घंटे के बाद आ जाने का, नहीं नहीं मैं आते ही तभी वो ऊपर आ रहा था उफान, मैंने कर दिया। सो प्रभु भी हमारे साथ है, तुम उनकी स्मरण करो, वो तुम्हारा स्मरण करेगा, केवल तुम्हारा ही, तुम्हारा घर का मकान का दुकान का स्मरण होगा, यही। सो इस तरह करके भगवान से प्रेम करो, अपने आप को सुपुर्द करो, तब बिल्कुल भगवान का भाव मिलेगा, आप कृष्ण का सुरते सुरते कृष्ण ही बनेगा। ब्रह्म चिंतयित्वा ब्रह्म ही भवति, कृष्णम चिंतयित्वा कृष्ण एव भवति, बस यही है इसका। और बारहवां स्कंद में केवल कलिकाल की महिमा, कलिकाल की महिमा केवल इतना ही है, बहुत शॉर्टकट है कलिकाल में। केवल भगवान के नारायण के नाम लेते ही नामस्मरण नहीं भर सब कुछ होता है, इसीलिए बिल्कुल आखिरी श्लोक में वही उसने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो यस्य शमनः तन्नमामि हरिम परम। सो बिल्कुल भगवान के नाम स्मरण से ही सब कुछ चल जाता है, नाम स्मरण करते रहो करते रहो करते रहो, प्रभु नाम स्मरण का। हाँ तो इस तरह करके थोड़ा सा हमने कुछ झांकी दिखाया, नारायण सुनाय कृष्णार्पणमस्तु कृष्णार्पणमस्तु।